भी हमारे से खरीदेगा वो फर्स्ट ओनर बनेगा। डेफिनेटली जो आपके थ्रू आएंगे उनको हम बेस्ट रिगार्ड करेंगे। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं अगली गाड़ी की तरफ जो रहने वाली BMW की हमारी 7 सीरीज। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। ये BMW की 730LD M स्पोर्ट वेरिएंट है। ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका भाई आ चुका है ऑटो बेस्ट इंटरव्यू में, आपको एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार का स्टॉक दिखा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ आज संजीव सर है, संजीव सर एक बार हेलो कह दीजिए। सो वैसे कि आप देख पा रहे हो काफी सारा लग्जरी का स्टॉक रहने वाला है। और अगर मैं थोड़ी बात ऑटो बेस्ट इंटरव्यू की करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको मतलब ट्रस्ट मिलता है ना, ट्रस्ट मिलने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सारी गाड़ी जितनी मैं आपको दिखाऊंगा सारी नॉन एक्सीडेंट गाड़ी रहने वाली है और सब कुछ जेनुअन ऑडोमीटर आपको मिलने वाला है। पेप्सी नहीं तो पेप्सी लेके बैठो, पॉपकॉर्न या तो पॉपकॉर्न लेके बैठो, भाई हमारी वीडियो देख रहे हो तो पिज्जा बर्गर तो कंपलसरी करें स्टार्ट सर। जी जी तो चलो आ जाओ। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं ऑटो बेस्ट इंटरव्यू में अपनी पहली गाड़ी एक्सप्लोर करने, जो कि रहने वाली है ऑडी। सर हमको चार छल्ले वाले बोलते हैं, ऑडी की चार छल्ले वाली Q5 करनी है सर, इसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे। ये Q5 का टॉप एंड वेरिएंट है, टेक्नोलॉजी पैक। ओके पेट्रोल में है एंड अबाउट 4 मंथ्स ओल्ड गाड़ी है, अनरजिस्टर्ड है। 4 मंथ्स? हाँ जी। अभी की गाड़ी मतलब? हाँ जी हाँ जी, 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके ओके ओके। और सिर्फ 2700 किलोमीटर चली हुई है, अनरजिस्टर्ड है। 2700 किलोमीटर ऑडी ऐसी Q5 गाड़ी, 2700 सर तो माने नहीं जाते कुछ किलोमीटर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ही नई गाड़ी। जो भी लेगा कस्टमर, जो भी हमारे से खरीदेगा वो फर्स्ट ओनर बनेगा। अच्छा सो गाइस ये तो आपने नहीं लिया, फीचर की बात सर ने कर दी, क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो अभी पहले आप इंटीरियर देख लो, उसके बाद प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि अभी प्राइस बता के मजा नहीं आएगा, पहले आप इंटीरियर देख लो। जी जी तो आ जाओ पहले इंटीरियर देख लो। नई गाड़ी अगर वो लेने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 70 लाख रुपीज के आसपास पड़ेगी, 70 लाख ऑन रोड। हमारी तो सर हम एक शोरूम पे बेच रहे हैं, 49 लाख रुपीज एक शोरूम बेच रहे हैं। 49 लाख रुपए में आपको ऑडी जैसे Q5 मिलने वाली है, जो की एकदम मतलब फुल लोडेड गाड़ी। जी जी ये फुली लोडेड वाला वेरिएंट ही है, फुली लोडेड है ना, 2700 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, एकदम बेस्ट क्लास में। क्योंकि गाइस जैसे मैं आपको बताता हूँ ऐसी गाड़ी अगर 10,000 से अंडर है तो किलोमीटर माने नहीं जाते सर, ये गाड़ियाँ आराम से 4-4 लाख किलोमीटर चलती है। सर ने आपको बता दिया, चलते अगली गाड़ी की तरफ। तो आ जाओ सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं अगली गाड़ी की तरफ, ऑटो बेस्ट इंटरव्यू में, जो की रहने वाली मर्सिडीज की मेबैक S600 जो की V12 वर्जन है। अब मैं इसकी क्या बात करूँ, जो की करोड़ों में डील करने वाली है, तो आप सर थोड़ा इसके बारे में बता दो क्या कहते हैं। 2015 का मॉडल है ये, फुली लोडेड आता है, लग्जरी मतलब इसके अंदर पूरी होती है, रियर रिक्लाइनर, रियर मसाजर्स, एवरीथिंग, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, जो सोचोगे फीचर आपको सब मिलेगा। सर मेरे को तो लग रहा है अगर कोई बंदा गोवा जाता है तो उसको होटल लेने की जरूरत इसी में सो जाएगा। कर सकते हैं सर, पर जो बंदा ये गाड़ी लेके जाएगा वो ऑब्वियसली होटल में रुकेगा, वो गाड़ी में रुकेगा नहीं। सो गाइस ये तो बात करी हमने थोड़े फीचर्स लगे गाड़ी का, नहीं पहले आप इंटीरियर देख लो उसके बाद प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि अभी प्राइस बता के सर मजा नहीं आएगा, पहले आप इंटीरियर देख लो।
सुबह जैसा कि आपने अंदर का इंटीरियर देखने को ओहो सर क्या इंटीरियर जी जी मजा आ गया देख के सुबह अब बात करते हैं क्या प्राइस चलने वाले कितने किलोमीटर सर एक बार बता दो कितने किलोमीटर ये अप्रोक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर चली हुई है 25,000 जी ओके और ये चंडीगढ़ की रजिस्टर्ड है चंडीगढ़ जी और इसका प्राइस है 1,49,00,000 जी सो गाइस मैं थोड़ा पहले आपको क्लियर कर दूं ये गाड़ी जो है कि नॉन एक्सीडेंट होने वाली क्योंकि आपको हम क्वालिटी मिली और ट्रस्ट मिला हम डील ही नहीं करते एक्सीडेंटल या मीटर टर्म सुनो भाई और फाइनेंस फैसिलिटी सर थोड़ी बहुत डिटेल बता दो फाइनेंस हमारे पास सारे मल्टीनेशनल बैंक्स के साथ में हमारा टाई अप है मेरा भाई जैसे एमपी रहता है गोवा रहता है तो ले जा सकता है पैन इंडिया कहीं पे भी रहते हो फाइनेंस करा देंगे गाइस ये तो गाड़ी आपने देखी और भी बहुत बेहतरीन गाड़ी है चलो अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं तो आ जाओ सो गाइस ऑटो बेस एम्पीरियो में अगली गाड़ी की तरफ आ गए जो कि रहने वाली मर्सिडीज की एसयूवी सीरीज गाइस और ये रहने वाली जीएलएस 350D तो सर अब इसको एक्सप्लेन कर दो क्या क्या इसमें मेन फीचर मिलने वाले और कौन सा वेरिएंट है क्या इसमें रहने ये इसमें एक ही वेरिएंट आता सर Okay. जो जीएलएस 350D और 2018 का मॉडल है ये तो अभी का मॉडल है मतलब जी 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 25,000 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी अच्छा पैनोरामिक सनरूफ आती है एयरमैटिक सस्पेंशन आता है इसके अंदर सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपको रोक के एयरमैटिक सस्पेंशन का क्या फायदा होता है मेरे ऑडियंस को बता दो एयरमैटिक सस्पेंशन से आपको झटके वटके का एहसास जो फीलिंग है वो बहुत कम होता है टच पैड आता है नेविगेशन आती है डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं इंटेलिजेंट लाइटिंग आती है इसमें अच्छा कंप्लीट एलईडी हेडलाइट्स कंप्लीट एलईडी टेल लाइट्स सब पूरा इसमें एलईडी इसको फुली लोडेड कह सकते हैं सर ये आती ही फुली लोडेड है 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है 7 सीटर ये तो बात कर ली हमने क्या-क्या फीचर रहने वाले गाड़ी के पहले आप अंदर का इंटीरियर देख लो क्या रहने वाला है एकदम सर मैं यहां से देख रहा हूं मजा आ रहा है देख के आप अंदर का इंटीरियर देख लो उसके बाद प्राइस की बात करते हैं क्योंकि अभी प्राइस बता के मजा नहीं आएगा तो पहले आप अंदर का इंटीरियर देख लो उसके बाद प्राइस की बात करते हैं तो आ जाओ ये तो आपने देख लिया होगा अंदर का इंटीरियर कैसे रहने वाला बहुत बेहतरीन इंटीरियर जिसको मैं कह सकता हूँ एक नंबर फाड़ू इंटीरियर कह सकता हूँ वैसे तो सर आप इसकी थोड़ी डिटेल बता दो कितना प्राइस लोड कर रहे हो क्या अगर हम न्यू परचेस करें तो उसका क्या प्राइस रहने वाला नई गाड़ी तो सर ये 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है मतलब करोड़ों की गाड़ी है सर ये जी जी और अगर आपके पास आया कितना मिल जाएगा हमारा इसका आस्किंग प्राइस है 78,75,000 अच्छा ये डीजल रहने वाला डीजल की ये गाड़ी है और किलोमीटर 25,000 ऑन रिकॉर्ड सर अगर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अगर कोई भाई आता है उसको थोड़ा सा नेगोशिएट अवेलेबल है सर जो बेस्ट रिगार्ड होगा वो कर देंगे मेजर नेगोशिएशन अगर आप सोचो तो वो हम नहीं करते हम उतना ऊपर का प्राइसिंग ही नहीं रखते बट डेफिनेटली जो आपके थ्रू आएंगे उनको हम बेस्ट रिगार्ड करेंगे सो गाइस जैसे कि आपने सुन लिया जो भी मेरे थ्रू आएगा उसको बेस्ट प्राइस मिल जाएगा और मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा गाइस इतना मत सोच करना कि इतना सारा डिस्काउंट आपके लिए हो जाएगा जितना बेस्ट हो पाएगा वैसे ही बहुत बेस्ट कर देंगे सर अपने लिए और एक और चीज मैं बताऊंगा सर के यहाँ नंबर डिस्प्ले हो जाएगा बट एक चीज याद रखना यार पर्सनल लाइफ भी होती है तो एकदम कभी भी 2 बजे वीडियो देख रहे हो तो कॉल करने मत लग जाना एक चीज जरूर याद रखना क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है जी जी। उसमें परेशान करने मतलब बंदा इरिटेट हो जाए आप लोग से और बंदा इरिटेट होकर आपको मतलब कुछ सुनाई दे 11 से 8 रहने वाली टाइम तो उसी के बीच कॉल करो तो मेक श्योर इस बात का ध्यान रखो चलो अगली गाड़ी की तरफ चलते सर मैं देख पा रहा हूँ काफी बेहतरीन गाड़ी तो आ जाओ सुबह जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं मर्सिडीज की E250D में सर मैं एक चीज जरूर बात करना चाहूंगा जो लग्जरी कार होती है ना वो एक तो दो कलर में सबसे बेहतर एक तो ब्लैक हो गया अपना और एक व्हाइट कलर ये कलर ऐसे ना धूम मचा जाता है मेजरली चलते हैं ये सो सर से बात करते हैं सर इसकी क्या डिटेल रहने का एक बार डिटेल बता दो सबको ये E250 CDI अवंतगार्ड है 2015 मैन्युफैक्चरिंग 2016 की रजिस्ट्रेशन सिंगल ओनर सिंगल सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जितनी गाड़ी हमारे पास है सारी सिंगल ओनर रहने वाली है नहीं ऐसा कुछ नहीं कभी कभी कोई गाड़ी सेकंड ओनर भी होती है हम क्वालिटी पे देखते हैं क्वालिटी कैसी है गाड़ी अच्छा अच्छा अगर सेकंड ओनर कोई भी लेकर आ रहा है घटिया क्वालिटी है तो उसको सिंगल ओनर कोई लेके आ रहा है वो बेकार क्वालिटी की गाड़ी है हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं तो हम नहीं लेंगे तो ओनरशिप मैटर नहीं करती क्वालिटी मैटर करती है जब आप पैसे लगाओगे गाड़ी पे तो आपकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑटो बेस एम्पीरियो इसलिए जाना था क्योंकि ये लोग क्वांटिटी में डील नहीं करते क्वालिटी में डील करते हैं तो क्वालिटी कस्टमर या ट्रस्ट बना के जी 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 सो गाइस पहले तो बात करते हैं इसका इंटीरियर कैसा है सर मैं देख पा रहा हूँ बेहतरीन गाड़ी एकदम न्यू सर मैं देख सारी गाड़ी एकदम न्यू कंडीशन में गाड़ी सर हम क्वालिटी वही देखते हैं ना कि जो अच्छी गाड़ी होगी वही लेते हैं
सो गाइस पहले आप अंदर का इंटीरियर देखो, उसके बाद प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत बेहतरीन है, अंदर से बहुत बेहतरीन लग रही है मेरे को, तो आज पहले अंदर के इंटीरियर की बात करते हैं, उसके बाद प्राइस की बात करेंगे। पिज्जा बर्गर आप खत्म नहीं हो गए सर, पिज्जा बर्गर तो इन लोग के चली रहे होंगे जी। तो सर थोड़ी बात करते हैं, प्राइस वाइज क्या रहने वाला, कितने किलोमीटर चली, तो सर एक बार बता दो। 32,000 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। ओके, एंड डीजल की गाड़ी है ये। Okay. और इसका प्राइस है 32,75,000। 32,75,000। ओके, सो गाइस जितने मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ सारे नेगोशिएबल है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं, जो कि रहने वाली हमारी कौन है, तो आ जाओ। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑटो बेस्ट एम्पेरियो अगली गाड़ी की तरफ आ गए, जो कि रहने वाली है V40। तो सर इसकी एक बार डिटेल दे दो, क्या इसमें मेन फीचर मिलने वाले हैं? ये इसके अंदर आपको पूरा ग्लास रूफ मिलता है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और आपको ज़ेनॉन हेडलैम्प्स मिलते हैं। अच्छा, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। गाइस मेरे को अलॉय इसके काफी प्यारे लग रहे हैं सर, 5-spoke अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। जी जी जी, और इसका पूरा जो मॉडल नेम है वॉल्वो V40 D3R डिजाइन है। अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा LCD में होता है। ओके जी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। 16 मैन्युफैक्चरिंग है, 17 रजिस्टर्ड है, सिंगल ओनर है। सो गाइस ये तो हमने कार की फीचर की बात कर ली, पहले आप जो सर बता रहे हैं अंदर हमें कितना बढ़िया रहने वाला है, तो पहले आप अंदर का इंटीरियर देख लो, उसके बाद प्राइस की बात करते हैं। तो आज पहले आप अंदर का इंटीरियर देख, आपने अंदर का इंटीरियर तो देख लिया, कैसा बेहतरीन इंटीरियर रहने वाला है। तो सर बता दो उसमें क्या क्या प्राइस रहने वाला है इसमें? ये डीजल की गाड़ी है ये भी। okay. और इसका प्राइस है 21,75,000। और न्यू गाड़ी अगर हम लेने जाए तो कितने की पड़ जाएगी सर? अबाउट 46-47 की आपकी गाड़ी है। 46 मतलब हाफ में हमको मिल जाएगी यहां पे। जी जी। और गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही मेंट कंडीशन में गाड़ी रहने वाली है, तो गाइस चलो अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं, तो आ जाओ। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो हम आज ऑटो बेस्ट एम्पेरियो में अपनी अगली गाड़ी की तरफ जो रहे हैं BMW की 3GT। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। ये 2016 की मैन्युफैक्चरिंग, 17 की रजिस्टर्ड है। ओके, डीजल की गाड़ी होती है ये, 14,000 किलोमीटर सिर्फ चली है। पैनोरामिक सनरूफ आती है इसमें, अडैप्टिव LED हेडलैम्प्स आते हैं, फ्रेमलेस डोर्स होते हैं। फ्रेमलेस डोर जी गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डोर सबकी डिमांडिंग होती है, कैसी गाड़ी चाहिए। तो गाइस आप बात करते हैं इंटीरियर की, कैसा इंटीरियर रहने वाला है, तो पहले आप इंटीरियर देखो, उसके बाद प्राइस की बात करते हैं। तो आप
सो गाइस जैसा कि आपने अंदर का इंटीरियर देख लिया होगा, अब बात करते हैं सर इसका क्या प्राइस रहने वाला है, एक बार प्राइस बता दो सर। इसका प्राइस है जी हमारा, जो हमारा प्राइस है 37,75,000। अगर बंदा न्यू परचेस करने आता तो उसको कितने की पड़ जाएगी बाहर? बहुत अच्छी सेविंग करेगा, आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो हाफ द प्राइस में ले रहा है गाड़ी। ओएमजी सर, एक नंबर गाड़ी। तो वैसे सर जीटी आ गई, फ्रेमलेस जो मिलते हैं इसमें आपको बहुत बेहतरीन गाड़ी रहने वाली है। और सर जैसे कि आप बता रहे हो हाफ द प्राइस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी अप्रोक्सीमेट। आपके भाई का नाम लेना है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। जी जी जी। तो गाइस गाड़ी बहुत बढ़िया रहने वाली, तो ऑटो बाय एम्पीरियो में आओ, टी क्रैक करो, गाड़ी कर ले जाओ सर। गाड़ी लेके कोई बंदा मेरे को लगता नहीं है कोई बाद में दिक्कत आने वाली, मजा आ जाएगा हमारी किसी गाड़ी में। हम पूरा चेक करके लेते हैं, क्वालिटी में ही बिलीव करते हैं। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है, देखो आप खुद से। जैसा कि आप देख पा रहे हो हम आज ऑटो बाय एम्पीरियो में अपनी अगली गाड़ी की तरफ, जो कि रहने वाली एसयूवी हमारी जैगुआर जैसी गाड़ी, एफ पेस रहने। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। ये 2017 मैन्युफैक्चरिंग, 18 रजिस्टर्ड है। अच्छा। सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली है, डीजल की है, जैगुआर एफ पेस 2 लीटर प्रेस्टीज। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो गाइस सर ने थोड़ी सी डिटेल दे दी, अब अंदर का पहले आप इंटीरियर देखो। जैसे कि सर बता रहे हैं कल ही आई है गाड़ी, बस कल परसों में ही आई है। कल परसों एक गाड़ी बहुत ही मिंट कंडीशन में, व्हाइट कलर है, जैसे कि आपका भाई कह चुका है व्हाइट कलर मतलब बेस्ट कलर रहता है। दो कलर बहुत बेस्ट कलर रहते हैं, एक तो ब्लैक हो गया अपना, व्हाइट हो गया। अंदर का इंटीरियर देखो बहुत ही मिंट कंडीशन में लग रहा है, तो पहले आप अंदर का इंटीरियर देखो, उसका प्राइस की बात करें तो आ जाओ। देख लिया अंदर का इंटीरियर बहुत बेहतरीन और मिंट कंडीशन में गाड़ी है, तो सर इसका बता दो क्या क्या इसके अंदर मिल रहा है, क्या क्या चीज मिल रही है और क्या प्राइस रहने वाला है। पैनोरामिक सनरूफ इसमें मिलती है। ओके। कॉकपिट नेविगेशन मिलती है इसमें। अच्छा सर जो आप बता रहे थे वर्चुअल कॉकपिट इसमें हम जो मिलने वाला है, जी। क्या फायदा होता है उसमें? आपका नेविगेशन जो है गाड़ी में वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही आ जाता है, तो आपको नजर ज्यादा हटानी नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। रोड से। ओके ओके। आप सिर्फ सामने देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे देखते हो तो आपको नेविगेशन दिख जाती है। अच्छा। उसका बहुत बेनिफिट है सेफ्टी वाइज। क्या प्राइस रहेगा सर? 56 लाख रुपीज हमारा आस्किंग प्राइस है। 56 लाख में आपको गाड़ी मिल जाएगी, बहुत ही मिंट कंडीशन। जैगुआर आ गया भाई, नाम ही काफी है सर। जी जी। गाड़ी का भाई जैसे मैं कहता हूँ जैगुआर की गाड़ी, अगर 10 में 10 बंदे चल रहे हो सर, 10 में 10 बंदे वाले देखने वाले। जी जी जी। क्योंकि जैगुआर ऐसी गाड़ी है ना, क्योंकि कहीं भी रोड पे ले जाओ, किसी क्राउड में भी ले जाओ, तो आपको सारे बंदे देखेंगे, एक दो बंदा छूटेगा भी। तो अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो ऑटो बेस्ट एम्पीरियो में अपने डील क्रैक करो जैगुआर की गाड़ी। सर का नंबर नीचे में डिस्प्ले कर दूंगा, जैसे आपको कह चुका हूँ जो नंबर दिया है उसको उसी टाइम पे करना है। तो चलो अगली गाड़ी की तरफ चलते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो रहने लगे BMW की हमारी 7 सीरीज। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दो। ये BMW की 730LD M Sport वेरिएंट है। ओके। इसमें आपको M Sport अलॉयज, M Sport बम्पर्स। मैं देख पा रहा हूँ, मैंने पुरानी BMW देखी और इसमें मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है, मतलब जी, जी। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अलॉय जैसे आप देख पा रहे रेंज साइज तो बहुत बड़ा लग रहा है। जी जी जी। इसमें M Sport स्टेयरिंग व्हील, M Sport डोर सिल्स, M Sport बैजिंग पूरी मिलती है विद पैनोरामिक सनरूफ, नेविगेशन। सर मैं सीट भी देख पा रहा हूँ काफी टैन कलर का लुक है, टैन बोलूं कि ब्राउन बोलूं? नहीं नहीं टैन ही है ये। टैन ही है। और बहुत अच्छा लेदर यूज करा जाता है 7 सीरीज में, हार्मन कार्बन का म्यूजिक सिस्टम है, तो फुली लोडेड वेरिएंट है ये। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं तो अंदर का दीवाना हो चुका हूं सर। जी जी। पहले बात करते हैं अंदर का क्या इंटीरियर रहने वाला, उसके बाद प्राइस की बात करते हैं, तो आ जाओ।
सो गाइस ये तो हमने बात कर ली अंदर का इंटीरियर कैसा है, तो सर से इसका बात करते हैं क्या प्राइस होने वाला है। सर इसका हमारा प्राइस है 79 लाख रुपीज। 79 लाख रुपीज। अगर आप न्यू गाड़ी परचेज करने आते तो सर मेरे को लगता है करोड़ों की गाड़ी रहने वाली है, करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, करोड़ से ऊपर की है। जैसे कि आपने सुना होगा अगर आपको गाड़ी चाहिए अपने ऑटो बेस्ट एम्पीरियो में अपना भाई का नाम भी थोड़ा सा डिस्काउंट समय मिल जाएगा, इतना मत सोचे ना कि इतना मेजर मिल जाएगा। रिगार्ड डेफिनेटली। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सर का नंबर यहाँ डिस्प्ले होगा, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो कार आपको पसंद आती है सर हमारे पास सारी मतलब लग्जरी मिल जाएगी गाड़ी, सिर्फ लग्जरी कार्स में डील करते हैं। ओके, जैसे कि आपने सुन लिया होगा। सो गाइस ये तो बात कर ली हमारे BMW 7 सीरीज की गाड़ी, और भी बहुत सारी है बट जितना भी हम कर सकते हैं स्टॉक जितना कवर कर उतना कर लिया। ये रहने वाला हमारा पार्ट 1, अगली वीडियो जो आएगी वो पार्ट 2 रहने वाली, उसमें और गाड़ी आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो सर अगर किसी को यहाँ पे आना तो क्या एड्रेस रहने वाला है, एड्रेस बताओ। हमारी कंपनी का नाम ऑटो बेस्ट एम्पेरियो है, एड्रेस है A14 नारायणा विहार और दिल्ली 28। ठीक है, सो गाइस जैसे कि आपने एड्रेस सुना होगा, बाकी का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन मैं गूगल लिंक भी दे दूंगा, उससे आप इजीली आ सकते हैं कहीं से भी आ रहे हो। पैन इंडिया आपको डिलीवरी अवेलेबल है, पैन इंडिया फाइनेंस अवेलेबल है, और से क्या क्या फीचर मिले, डिलीवरी ऑन चार्जेबल बेसिस। ओके ओके, सो गाइस जैसे कि आपने सुना होगा डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, फाइनेंस सब हो जाएगा आपका, जो भी कहीं भी रहता हो चाहे गोवा रहता हो चाहे एमपीओ, सब फाइनेंस अवेलेबल। एड्रेस नीचे मिल जाएगा, सर का नंबर यहाँ डिस्प्ले में कर दूंगा, पॉपअप हो रहा होगा। एक और चीज ऑफिस से बता दूँ गाइस, जो गाइज नंबर दे रहा हूँ जो टाइमिंग लिख रहा हूँ उसी के बीच कॉल करना, उसके बाद मत कॉल करना भाई, सबकी पर्सनल लाइफ भी होती है। आप रात के 2 बजे देख लो, 3 बजे देख लो, 4 बजे देख लो, भाई बंदा सो रहा है, हमारा इंडिया है भाई, फॉरेन में नहीं रहते हम, इंडिया में रहते हैं। तो मेक श्योर आप उस टाइमिंग के अंडर ही करें, उसके बाद ना करें। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद प्लीज लाइक करें बिना मत देना, और आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आई होप आपके पेप्सी पॉपकॉर्न बर्गर सब खत्म हो गए होंगे सर, वीडियो शेयर नहीं करते दोस्त फैमिली और सब तक। फिलहाल तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा आपको लग्जरी कार का स्टॉक जितना मैंने आपको दिखाया, बाकी आपको अगली वीडियो में कवर करता हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सर, हम ऐसे बोलते हैं, अच्छा ऐसे बोलते हैं, बाय, अभी नहीं अभी सर मैं बोलूंगा, अच्छा अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सर बाय बाय।